हेलो गाइस, तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि मीन का एक सोल्जर दौड़ते हुए आता है और मीन को बताता है कि हमारे आइलैंड में अब कुछ लोग आए हैं जो कह रहे हैं कि वो आइलैंड ओनर को ठीक कर सकते हैं। जिसको सुनकर के मिंग चौंककर कहता है कि क्या, और एल्डर लिंग डोंग ध्यान से कहता है कि डैड मैं अभी देखकर आता हूँ कि आखिर वो लोग है कौन। और ये कहकर के वो दौड़ते हुए उनके रूम से बाहर जाने लगता है। और अब इस पार्ट की शुरुआत भी इसी के आगे से होती है और हम देखते हैं कि मुयान मेंशन के अंदर जा रहा होता है, तभी वो सामने से मिंग को आता देख उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि फाइनली आइलैंड के ओनर यहाँ पर आ गए और उसे ये भी बताता है कि मैं मुयान हूँ और मैं स्पेशली यहाँ पर आपके डैड यानी कि ओल्ड आइलैंड ओनर की बीमारी को ठीक करने के लिए आया हूँ। जिसे सुनकर के मिंग उसकी ओर जाते हुए कहता है कि मुझे लगा यहाँ पर कोई और आया होगा, लेकिन तुम तो दियान बाओ पवेलियन के यंग लेडी के पर्सनल बॉडीगार्ड मुयान निकले। तुम तो सच में एक हीरो लग रहे हो और यंग होने के साथ साथ तुम काफी स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड भी हो और शुआन गोंग माउंटेन के डिसिपल से कहीं ज्यादा बेहतर भी। जिसे सुनकर के मुयान मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि अब मैं और बकवास नहीं करना चाहूंगा, इसीलिए मैं आपको अब साफ साफ बता दूं कि मैं आपके डैड के बॉडी के पॉइजन को रिमूव करके उन्हें कम्प्लीटली ठीक कर सकता हूं, इसीलिए अब आप मुझे अंदर लेकर चलो। जिसे सुनकर के मिंग काफी मायूस होकर उससे कहता है, मुयान मुझे पता है कि तुम दियान हुन आइलैंड के क्वायर कंपटीशन की 3 बैटल के में विनर के बाद तुम काफी ज्यादा फेमस हो गए हो और साथ ही मुझे ये भी पता है कि तुम स्टोन पैटर्नर्स के जरिए वो ग्रेट के होली एलिक्सर का डिफाइन कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि हमने एक नहीं कई बार हाई लेवल के अल्केमिस्ट को डैड के पॉइजन को कम्प्लीटली रिमूव करके उन्हें ठीक करने के लिए बुलाया है, लेकिन वहाँ पे किसी ने भी उनके बॉडी के पॉइजन को रिमूव करने में कामयाब नहीं हो पाया। जिसे सुनकर के मुयान उसे कहता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई पॉइजन नहीं है जिसका इलाज मैं नहीं कर सकता और अब मेरी इस बात पर यकीन करना या ना करना आप पर ही डिपेंड करता है। जिसको सुनकर के मिंग उससे गुस्से से कहता है कि तुम्हें पता है अगर तुम मेरे डैड के पॉइजन को रिमूव करके उनका इलाज नहीं कर पाए और उन्हें नहीं बचा पाए तो तुम्हें किस तरह की पनिशमेंट मिलेगी। जिसको सुनकर के मुयान उससे मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों ना एक जान के बदले दूसरी जान। जिसे सुनकर के मिंग चौंककर उससे कहता है कि आखिर तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो, लेकिन आखिर तुम्हें मेरे डैड की बीमारी के बारे में पता ही वहाँ पे कितना है जो तुम ऐसी बात यहाँ पे कर रहे हो। और साथ ही अभी तक हमें तियान बाओ पवेलियन की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आया है कि वो लोग हमारी हेल्प करने के लिए किसी को भेज रहे हैं। और उसके ऐसा कहते ही अब उसके अब कुछ सोल्जर मुयान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर के सीन मिंग याओ और ज़ेन याहू मुयान को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने लगते हैं। साथ ही मिंग के उन सोल्जर को देखकर ज़ेन याहू अपनी पावर को शो करने लगता है। तभी मिंग पीछे मुड़कर के मुयान को देखने लगता है तो मुयान ज़ेन याहू को रोक देता है और आगे जाकर के मिंग से कहता है, आप मेरी बातों पर यकीन करो या ना करो, लेकिन आपके डैड के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। साथ ही ज़ू फैमिली तियान हुन आइलैंड के यंग मास्टर के साथ यहाँ पर आने के लिए ऑलरेडी निकल चुकी है, इसीलिए अब आइलैंड की सेफ्टी आप पर ही डिपेंड करती है और साथ ही मैं आप दोनों के मैटर के बीच में इवॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे वापस भेजने से पहले एक बार फिर से सोच लीजिए। जिसे सुनकर के मिंग सोचने लगता है और फिर उससे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम बकवास और मुझसे झूठ नहीं बोल रहे होगे। और ये कहते हुए वो उसे अंदर चलने को कहकर वहाँ से जाने लगता है। जिसको जाता देख सीन मेंगिया और मुयान से कहती है कि अगर वो नहीं मान रहा था तो तुम उसे इतनी जिद क्यों कर रहे थे और उसे मनाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे थे, लेकिन मुयान उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और मेंग के पीछे जाने लगता है। तो ज़ेन याहू और सीन मेंगिया भी उसके पीछे जाने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग उन सबको अपने डैड के रूम के अंदर लेकर जाता है और अपने डैड को खासता देख दौड़ते हुए उनके पास जाता है। वही मुयान उसके डैड के रूम में चारों तरफ से देखते हुए उसके डैड के पास जाता है तो मिंग अपने डैड से कहता है कि डैड ये मुयान है और इसने कहा कि ये आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है। जिसे सुनकर के एल्डर लिंग डोंग तियान मुयान को देखने लगते हैं और फिर उससे कहते हैं, तो ठीक है आप अपना इलाज करना स्टार्ट यहाँ पे कर दीजिए। जिसको सुनकर के मिंग चौंक जाता है। वही मुयान काफी अब ज्यादा खुश होकर एल्डर लिंग डोंग तियान से कहता है ठीक है और उन्हें चेक करने लगता है, जिससे मिंग काफी गौर से देख रहा होता है।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीन मेंग याओ और ज़ेन याओ एल्डर लिंग डोंग तियान के रूम के बाहर जाके वो खड़े होते हैं और वहाँ पे गार्ड कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुयान एल्डर लिंग डोंग तियान को चेक करने के बाद उन पर अपनी पावर का यूज करता है, जिससे वो खांसते हुए अपनी बॉडी के अंदर से पॉइजन को बाहर निकालने लगते हैं। साथ ही उन्हें काफी ज्यादा पेन भी हो रहा होता है। ये देख कर के मिंग काफी परेशान होने लगता है और मुयान पर गुस्सा करने लगता है कि मैं अपने रिस्क पर तुम्हें अपने डैड की ट्रीटमेंट करने को दे रहा हूँ, तो तुम उनकी तबीयत को और भी ज्यादा खराब क्यों करते जा रहे हो। जिसको सुनकर के उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उसे बाहर जाने को कहते हैं, जिसे सुनकर के ना चाहते हुए भी मिंग को बाहर जाना पड़ता है। वहीं उसके जाने के बाद मुयान एल्डर लिंग डोंग तियान से कहता है कि अब बस यहाँ हम दोनों ही हैं, तो आपको और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी है। जिसको सुनकर के एल्डर लिंग डोंग तियान चौंक जाते हैं। तो मुयान उनसे कहता है, आपको तो पता ही है कि आपकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो काफी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। साथ ही आपकी ट्रीटमेंट के लिए अब यहाँ पे कई सारे जीनियस को भी बुलाया गया, लेकिन फिर भी वो आपको ठीक नहीं यहाँ पे कर पाए, लेकिन मेरी पावर के जरिए अब जल्दी ही आपकी सारी पॉइजन रिमूव होने वाली है और आप कम्प्लीटली ठीक होने वाले हो, क्योंकि मैं इस पॉइजन का इलाज कर सकता हूँ। जिसको सुनकर के एल्डर लिंग डोंग तियान उठकर बैठ जाते हैं और मुयान से कहते हैं, तुम्हारे पास अब कुछ नॉलेज तो है। जिसको सुनकर के मुयान उनसे कहता है कि अब जब आपको पता है कि मैं आपके इस पॉइजन का इलाज मैं कर सकता हूँ, तो क्यों ना हम कुछ अब कंडीशन के बारे में डिस्कशन जो है हम वो करना स्टार्ट यहाँ पे कर दें। जिसको सुनकर के एल्डर लिंग डोंग तियान उससे चौंक कर कहते हैं, क्या तुम सच में मेरे इस पॉइजन का इलाज यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ठीक करने के लिए यहाँ पर काफी सारे जीनियस आ चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे इस पॉइजन का इलाज यहाँ पे करने में कामयाब नहीं हो पाया। जिसको सुनकर के मुयान उससे कहता है कि मेरे इस ट्रिप का मकसद बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ बिजनेस रिलेटेड आपसे बात करने आया हूँ, इसीलिए हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। जिसे सुनकर के एल्डर लिंग डोंग तियान सोचने लगता और उससे कहते हैं कि कौन से बिजनेस के बारे में तुम बात कर रहे हो। जिस पर मुयान उनसे कहता है कि अब जब मैं आपके इस पॉइजन का इलाज कर सकता हूँ, तो इसके बदले आपको 10 सालों तक मेरी बात माननी होगी। जिसको सुनकर के एल्डर लिंग डोंग तियान सोचने लगते हैं और फिर उसे कहते हैं, ठीक है तो ये डील अब वो फाइनल हो चुकी है। और उनके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।